आज की ताज़ा कोरोना मेडिकल बुलेटिन। छत्तीसगढ़ में आज 2400 नए मरीजों की हुई पुष्टि, जिनमें से मात्र राजधानी रायपुर से मिले 700 से अधिक मरीज। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने लगा है, जिनमें से आज भी प्रदेश में 2400 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 56 मरीज स्वस्थ हुए, तो वहीं दूसरी ओर एक मरीज के इलाज के दौरान मौत भी हो गई। साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि प्रदेश में अब तक 3897 कोरोना संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। दरअसल आज 2400 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों में प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 4.91% हो गई है, जबकि प्रदेश के 19 जिलों में पॉजिटिविटी दर 4% से कम है। जैसे कि दोस्तों हमने आपको अभी बताया कि आज 2400 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनमें से राजधानी रायपुर से 700 से अधिक मरीज पाए गए हैं। बाकी जिलों में क्या है कोरोना के हाल, हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही डेली के नए अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन जिलों में क्या है कोरोना का हाल। तो राजधानी रायपुर में 752, बिलासपुर में 326, दुर्ग में 314, रायगढ़ में है 247, जशपुर में 144, जांजगीर चांपा में 126, कोरबा में 122, सरगुजा में 55, कोरिया में 54, राजनांदगांव में 46 और सूरजपुर जिले में है 27, बलरामपुर में 22, बस्तर में 18 और गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में है 18 और कांकेर धमतरी और बलौदाबाजार जिले में 17 मरीज पाए गए हैं। वहीं मुंगेली में 16, बीजापुर में 10, सुकमा में 13, महासमुंद में 9 और बालोद में है 8, बेमेतरा जिले में 6, कबीरधाम जिले में 6 और गरियाबंद में 3, दंतेवाड़ा कोंडागांव में भी 3-3 मरीज मिले हैं और नारायणपुर जिले में 1 मरीज मिले हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ के अगर सभी जिलों की बात करें तो छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कोरोना संक्रमण की हर एक जिले में पुष्टि हो गई है। तो ऐसे में आप सभी को सावधान रहने की जरूरत है, कहीं भी जाने से बचे। अगर जा ही रहे हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं, तो मास्क लगाएं और साथ ही समय समय पर हैंड सैनिटाइजर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।